साथियों, हरियाणा प्रदेश में ये जो खट्टर साहब की सरकार बनी है, पता कहां है वो सरकार? हिमाचल के परवाणों में बैठी सारी सरकार, हिमाचल के परवाणों में टिम्बर ट्रेल, फाइव स्टार एक होटल है हिमाचल में, वहां बैठे हैं। मीडिया के लोगों ने पूछे खट्टर साहब को क्या करने गए हैं, कहते सोचेंगे बैठ करके। कहां? कहते परमाणु में सोचेंगे बैठ करके। क्या सोचेंगे? कि कैसे हरियाणा का नाश और करना है, कैसे हरियाणा का नाश करना है। तीन बार तो कर दिया हरियाणा का नाश, बहुत सारे नौजवान मरवाए, बसें फुकवाई, ट्रेनें रुकवाई, पूरे हरियाणा में कतलेआम कराया। अब ये करने गए कि जो बचा कुचा और तो देते हैं, मामला कैसे नाश करना है। हरियाणा के लोगों ने वोट दिया, हरियाणा के लोगों ने सरकार बनाई, हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इतनी बड़ी विधानसभा हमारी जो सेक्रेटरीट है, वहां बैठ के नहीं सोच सकते। सोचने के लिए भी हिमाचल की पार्टियों में गया मुख्यमंत्री खट्टर साहब। एक साल का टाइम है खट्टर जी, एक साल का टाइम, ये जनता पूरी तैयार बैठी है आने वाले समय में हिमाचल की पहाड़ियों में भेजने का काम परमानेंट करेंगे। आपके लिए परमानेंट वहीं बैठे रहना पहाड़ी, हरियाणा में आने की जरूरत नहीं है हमें। ये खट्टर सरकार नहीं है, बिल्कुल कटारा सरकार है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आज प्रदेश में किसान धरने पे है, आज प्रदेश का मजदूर एजिटेशन पे है, किसान एजिटेशन पे है, कर्मचारी एजिटेशन पे है। और ये मोदी साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार क्या कह रही है? संविधान बदलो। विश्व हिंदू प्रसिद्ध वाले कह रहे हैं संविधान बदलो, प्रवीण तोगड़िया कहता है संविधान बदलो, मोहन भागवत जी कहते हैं संविधान बदलो, लेकिन बहन जी ने नारा लगाया है जैसे साहब ने कहा था कि अगर आपने संविधान से कोई छेड़छाड़ की, अगर संविधान को बदलने का काम किया, तो हम आपकी सरकार को बदलने का काम करेंगे।